अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम नजर आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं, हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने तक नहीं है, सरकारी इदारों में लोगों को भरा जा रहा है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने का मामला है जिसके ऊपर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम नजर आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे। हबीबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्ला बताइएगा समाअत का अहवाल। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के मामले पर समाप्त हुई है जिस पर अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फारिसा का कहना था हम देखेंगे कि सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, सिर्फ लोगों को सरकारी नौकरियों और भर्ती की जा रही है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं सिर्फ मुलाजमीन को बिठा कर तनख्वाहें दी जा रही हैं, काम कोई नहीं होता, हुकूमत के पास कुछ करने को नहीं है, तहम कहा जा रहा है, खदमत कर रहे हैं। एक एक करके असामी पर तीन तीन भर्तियां की गई हैं जिस पर चीफ जस्टिस और काजी फैजल ने वकला के दलाइल मुकम्मल नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का कहना था सदर और गवर्नर पैकेज के। ठीक है हबीबुल्ला, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।